नमस्कार, मैं हूँ सीमा और सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे। तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन की बूंदी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं एक कटोरी बेसन, ये एक कटोरी बेसन है 100 ग्राम के करीब। चीनी 150 ग्राम के करीब ये चीनी है। खरबूजे का बीज 2 से 3 चम्मच है। और यहाँ पे 4 से 5 हम इलायची कूट लिए हैं। 1 पिंच के बराबर हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा ले लिया है और थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर लिए हैं हम। आप यहाँ पे हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक हम बर्तन ले लिए हैं, उसमें बेसन को डाल देते हैं और पानी डाल कर चम्मच से अच्छा बैटर बनाएंगे। पानी एक बार नहीं डालेंगे, नहीं तो बेसन में लम्स पड़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर हम बेसन को मिलाएंगे। तो बेसन हमारा अच्छे से मिल गया है, लेकिन हमें पतला घोल चाहिए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे पतला करेंगे। पानी एक बार में बिल्कुल नहीं डालेंगे हम, इसे चेक करते रहेंगे कि बेटर हमारा न गाढ़ा होना चाहिए न पतला होना चाहिए। इसे हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है, तो इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमें किस तरह का बैटर होना चाहिए। बैटर हमारा रेडी हो गया है, तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा बैटर कैसा बना है। तो इसे हम ड्रॉप गिरा गिरा करके दिखाएंगे। तो यदि बूंद बूंद गिरे यानी हमारा बैटर रेडी हो गया है और बैटर में बबल्स भी आ गए हैं। अब हम इसमें फूड कलर ऐड कर देते हैं 1 पिंच के बराबर, और थोड़ा फूड कलर हम रहने देंगे, चाशनी में ऐड करेंगे और हम कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर हमारा मिक्स हो गया है, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं मीठा सोडा 1 पिंच के बराबर। ज़्यादा मीठा सोडा हम ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो बूंदी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो मीठा सोडा भी हमारा ऐड हो गया है, इसे अब हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गैस पे हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसमें हम मगज भून लेंगे, मगज यानी खरबूज के बीज, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। खरबूजे के बीज को हम चटकने तक भूनेंगे और खरबूजे का बीज लड्डू और बूंदी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बीज हमारा चटक गया है और ये देखिए लाल भी हो गया है, यानी कलर चेंज हो गया है। तो ये देखिए बहुत अच्छा भुन गया है। तो इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं, और कढ़ाई हमारा गरम है तो उसी कढ़ाई में हम रिफाइन ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ पे घी का भी यूज कर सकते हैं। कढ़ाई में तेल या घी हम ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि बूंदी बहुत फैलता है। तेल को हम मीडियम फ्लेम पे बहुत ही ज़्यादा गर्म करेंगे, तभी हमारी बूंदी बहुत अच्छी बनेगी। और बेसन भी हमारा रेस्ट ले लिया है, तो अब हम बूंदी को बनाएंगे। बूंदी बनाने के लिए हमें बूंदी झारे की ज़रूरत होती है, पर हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे हम छनौटा का यूज करेंगे और बूंदी को हम उसी में धीरे धीरे बूंदी के घोल को डालते जाएंगे, और बूंदी हमारी नीचे से बूंद बूंद गिरती रहेगी। तो ये देखिए बूंदी को हमने तेल में डाल दिया है, इसे अब हम थोड़ा देर छोड़ देते हैं। कढ़ाई में बूंदी को हम तुरंत नहीं चलाएंगे, थोड़ी देर इसे सिकने देंगे तब हम इसे चलाएंगे, और इसे हम अच्छे से चलाएंगे ताकि हमारी बूंदी चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। बूंदी को हमें चलाते रहना है ताकि एक तरफ से बूंदी हमारी जले नहीं और चारों तरफ से हमारी बूंदी पक जाए। और बूंदी को हम चारों तरफ से मिलाते रहेंगे जब तक इसमें कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से करारापन का आवाज़ नहीं आने लगे। तो इसे अभी हम और चलाएंगे, बूंदी हमारी पकी नहीं है।
बूंदी यदि कच्ची रह गई तो बूंदी अच्छी नहीं बनेगी। इसे हमें अच्छे से पकाना होता है, चारों तरफ से चलाते हुए। बूंदी हमारी पक गई है तो ये देखिए, अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर से हम उसी तरीका से झारे से हम डाल लेंगे बूंदी को, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि बूंदी एक दूसरे से चिपके नहीं। और इसे हम डालते रहेंगे जब तक हमारी कढ़ाई में स्पेस है, यानी जगह है। फिर से हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे और बूंदी को हम पकने देंगे। तो ये भी बूंदी हमारी सिक गई है, इसे भी अब हम बर्तन में निकाल लेते हैं। तो उसी प्रकार से हम सभी बैटर का बूंदी बना लेंगे। और ये देखिए, बूंदी हमारी बन गई है और बहुत अच्छी बूंदी बनी है, बिल्कुल गोल गोल बनी है। तो चलिए सीरा बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बर्तन ले लिए हैं और जिस कटोरी से हम बेसन लिए थे उसी कटोरी से हम चीनी माप लेते हैं एक कटोरी, और इसी कटोरी से हम एक कटोरी पानी ऐड करेंगे। अब हम गैस को जला देते हैं और हम चाशनी को बनाएंगे। चाशनी को हम चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से हमारी चाशनी पक जाए। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो ये देखिए, चाशनी हमारी खौलने लगी है। इसे हमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फूड कलर जो हमने बचा के रखी थी, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और चाशनी को पकने देंगे। चाशनी हमारी रेडी हो गई है, तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो चाशनी हमारी चिपचिपी लग रही है, तो चाशनी हमारा रेडी हो गया है। तो इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने छोड़ देते हैं। गर्म चाशनी में हम बूंदी नहीं डालेंगे। तो चाशनी हमारी ठंडी हो गई है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब हम इसमें बूंदी को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे चारों तरफ से चलाते हुए। बूंदी को हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि बूंदी में जो हमारी चाशनी है एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए, बूंदी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है और चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत अच्छी बूंदी बनी है। तो अब हम इसमें मिक्स कर देंगे जो हमने खरबूजे को बीज को भून के रखा था, उसे भी अब हम ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो खरबूजे का बीज भी हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। खरबूजे का बीज भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। और ये बूंदी हम रात को बनाए थे क्योंकि हमें कल ज़रूरत है इस बूंदी को। तो अभी इसे बूंदी को ढककर रात भर के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा है। तो चलिए कल हम मिलते हैं। तो ये देखिए कितनी बूंदी हमारी अच्छी बनी है। तो आप एक ट्राई कीजिएगा बूंदी को, और सच में बहुत ही अच्छी बनी थी बूंदी। तो ये वीडियो 16 की रात की है जो हमने रात को बूंदी बनाई थी। तो आज 17 तारीख है, तो हम नहा धो करके आकर यहाँ पे हमारे घर की पूजा चल रही है। इसके बाद हम विश्वकर्मा भगवान की पूजा करेंगे। तो हमारी डेली रूटीन वाली ही पूजा चल रही है, कोई खास पूजा नहीं हो रही है। ये पूजा करने के बाद हम विश्वकर्मा भगवान की पूजा करेंगे, यानी हमारी मशीन की पूजा होगी। हम सिलाई करते हैं तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सिलाई मशीन की पूजा करूँगी। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए हमारी पूजा हो रही है। Thank you.
आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं विश्वकर्मा पूजा की। तो हमारे घर की पूजा हो गई है, तो अब चलते हैं विश्वकर्मा पूजा करने अपने मशीन की। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने मोटर की पूजा करेंगे जिससे हमें पानी मिलता है। मोटर और चापाकल की पूजा कर लेंगे। तो हमारे घर में कोई पंडित नहीं आते हैं, हम लोग अपने से ही पूजा कर लेते हैं और वैसे ही सिर्फ नॉर्मली पूजा करते हैं। तो बस रोली, सिंदूर, धूपबत्ती, फूल, प्रसाद यही सब हम चढ़ा देंगे यहाँ पे। तो मोटर और चापाकल की पूजा हमारी हो गई है, तो अब हम चलते हैं मशीन की पूजा करने। तो यहाँ पे हम मशीन की पूजा कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही जल छिड़क दिए हैं और रोली, सिंदूर, फूल, धूप ये सब करके चढ़ा दिए हैं। और ये हमारी मशीन जो है इलेक्ट्रिक मशीन है। यहाँ पे हम लगाएंगे रोली और सिंदूर। बोलो रोली सिंदूर हमारी लग गई है, तो अब हम यहाँ पे फूल चढ़ा देते हैं। और फूल भी हमारी चढ़ गई है, तो यहाँ पे हम चढ़ाएंगे प्रसाद। प्रसाद में ये बाजार का लड्डू हो और हम मूर्ति, तो यहाँ पे हम मौली चढ़ा देंगे विश्वकर्मा भगवान को यानी मशीन को। और यहाँ पे हम धूपबत्ती कर लेंगे, तो धूपबत्ती भी हमारी हो गई है, तो अब हम आरती कर लेते हैं। ये बत्ती हमारी हो गई है, तो अब हम आरती कर लेते हैं। तो थाली में हम कपूर जला लिए हैं और विश्वकर्मा भगवान की आरती कर लेंगे। तो आरती हमारी हो गई है, तो मशीन यानी विश्वकर्मा भगवान की पूजा यहाँ पे हमारी हो गई है। तो अब हम जो एक्सरसाइज वाली साइकिल है उसकी पूजा कर लेते हैं। तो साइकिल की भी हमारी पूजा हो गई है। तो यही था आज का हमारा छोटा सा वीडियो ब्लॉग। और कैसा लगा हमारा ब्लॉग आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी बूंदी की रेसिपी कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।